बबल्स, मुझे हवा में बबल्स पसंद है। इन्हें कोड़ना मजेदार है। मैं और बना देती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने बबल ब्लोअर खुद बनाया है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने हाइलाइटर इस्तेमाल किया, इंक और टिप को निकाली। अब मुझे एक वायर चाहिए। इसे ट्विस्ट करेंगे, हॉट ग्लू लगाएंगे और कंटेनर में डाल देंगे। अब बस बबल मिक्स डालना है। चलो ट्राई करें। टडा, ये बन गया। रुको, क्या तुम्हें मालूम था आज एग्जाम है? ये डरावना लड़का कौन है? मेरे पास सब है, मैथ, इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस। मैं आ रही हूँ। पहले मुझे पेमेंट दो। हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ क्या है। लगता है इतना काफी होगा। जी हाँ, फैशनेबल। और ये रहे सारे के सारे आंसर्स। वाह, ये तो शानदार है। थैंक्स, एक और कस्टमर खुश हुआ। हाय, तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस स्टाइल के साथ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। बहुत मजा आएगा। ये मार्केट का सबसे बढ़िया इरेजर है। पढ़ने में मजा आएगा। मुझे भी आंसर्स खरीदने होंगे। यहाँ कैंडी जरूर होगी। इससे कुछ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ये कैसा मजाक है? हटो, मैं यहाँ से निंजा रोल कर जाऊंगा। चलकर ही चले जाते। बहुत बढ़िया, पर अब मैं क्या करूँ? रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। ट्राई करते हैं। मैं स्क्रीन पर केस लगा लेती हूँ। अब मैं आंसर्स को स्क्रॉल कर सकती हूँ। और अब मैं तैयार हूँ। यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी। मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसे छिपा लेना चाहिए। देखते हैं चीट स्कैनर क्या कहता है। ये अच्छा नहीं होगा। मैं जानती थी चीटिंग। इरेजर के साथ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हर एग्जाम में करना पड़ता है। और यहाँ क्या चल रहा है? चीट स्कैनर से कोई नहीं बच सकता। तुम अपनी हैट में आंसर्स छिपा रही हो। ओह, पकड़ी गई। काफी बढ़िया जा रहा है। ओह, टीचर आ रही है। मैं जान रही थी यहाँ भी चीटिंग ही हो रही होगी। बस बीप ना हो। हाँ, कि पक्का खराब हो गई है। मैं चीटिंग नहीं कर रही मिस। तुम तो अच्छी बच्ची हो। हार मानती हूँ। ये पेड़ है। ओह, टाइम क्या हुआ? हे भगवान, देखते हैं सब क्लास के लिए तैयार है। ओह, लगता तो नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये रहे तुम्हारे कैंपसेस। जैसा बोर्ड पर बना है बिल्कुल वैसा सर्कल बनाओ। चलो एक एक कर कराओ और ये ले जाओ। जल्दी करो। अरे यार, अब हमें क्लास में भी ये सब करना होगा। चलो जल्दी से एक एक लो और जो मैंने कहा वो करो। हे रुको, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ, ये क्या है? वो दोबारा सो गई। अब मैं क्या करूँ? बहुत बुरा हुआ, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सर्कल कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो टूल्स में सिर्फ ये रूलर है। समझ नहीं आया ये काम कैसे करेगा। ये बकवास चीज तो काम ही नहीं करती। मैं इससे सर्कल नहीं बना सकता। ये क्या? जेक के पास है पर उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। बकवास। वाह, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हे, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले इसे खोलेंगे और ये देखो, कर लिया। हाँ, शायद हम इस रूलर के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ प्रेस करूँ तो? ओह नहीं, ये काम नहीं किया। अगर मैं ये बिना रूलर के ही कर लूँ तो? ये भी नहीं चलेगा। चलो भी रूलर, मेरी मदद करो। हाँ, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। इस रूलर पर हर 2 इंच के बाद मार्क करेंगे, बिल्कुल आखिर तक। बढ़िया, अब हर डॉट पर एक होल पंच करना है। परफेक्ट, चलो इसे ट्राई करें। रूलर को रखेंगे और बीच वाले होल में पेंसिल रखेंगे और इसे घुमाएंगे। बाजू को इस तरह रखकर इसे पूरा कर लेंगे। हो गया। और ये काम किया। हे भगवान, तुमने परफेक्ट सर्कल बनाया। रुको, क्या आप मेरे लिए कंपास अब लेकर आए हो? बहुत बढ़िया। चलो भी घुस जाओ। शायद मेरे लॉकर में कुछ ज्यादा ही चीजें हैं। अरे बंद भी हो जाओ। बस हो ही गया आखिरकार। मुझे तो लगा था ये बंद। आउच, अब मुझे नींद आ रही है। शेरल का लॉकर खुला हुआ है। अजीब है। शेरल, तुम ठीक तो हो? शेरल उठो, मुझे स्कूल नहीं जाना मॉमी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे? ये बैग काम आ सकता है।
और ये मैग्नेट ये काम करेगा। इस बैग को लॉकर में रख देते हैं और मैग्नेट से इसे अटका देते हैं। दूसरी साइड भी यही करेंगे। यहाँ ठीक है, अब शेरल का सारा सामान है बैग में डाल देते हैं। इससे इसका लॉकर ऑर्गेनाइज रहेगा। वाह, उसके पास कितना सामान है, ये तो बदल गया। उम्मीद है इससे शेरल की मदद हुई हो। यहू। क्या तुम एक एंजल हो? ओह, ये तो तुम हो लूना, मैंने तुम्हारा लॉकर साफ कर दिया। अरे वाह, सब समेट दिया। वाह, कितना साफ है, मुझे पसंद आया। शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी हो। You're welcome। अब मुझे जाने दो, मुझे दबाओ मत। कोई बात नहीं बेस्टी, मैं अपनी बुक्स निकाल लेती हूँ। ओप्स, तुमने देखा तो नहीं। मुझे बस इन पेपर्स को स्टेपल करना है और मेरा होमवर्क पूरा हुआ। ये तो मजेदार है। हाँ, ये अटक गया है। व्हाट्स, नहीं, अब होगी परेशानी। अरे हाँ, हो गया, अब मैं आराम कर सकती हूँ। क्या बकवास है, बहुत दर्द होगा। ओह नहीं, ये क्राइम सीन है, वही रहो। ठीक है, प्रेस यहाँ नहीं आएगी, निकलो यहाँ से। डेविड! ला 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 ला, ओह ये। डेविड! ये कॉफी का कप जबरदस्त है, बस ये काम कर जाए। ये कहाँ से आ गया? इसमें एक मैसेज है, SOS, पता नहीं क्या हुआ है। ये क्या है? क्या? स्टेपल्स? ये मेरा एयरपोर्ट केस ठीक कर देगा, ये सारे स्टेपल्स उठा लेगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने सारे उठा लिए। थैंक यू। पहले जैसी नहीं रही जब से हमारे पास स्मार्टफोन आए हैं। जरा टीचर से पूछो। हाँ, फोन को बॉक्स में रखने का समय, मुझे से छिपाना होगा। तुम पढ़ भी रही हो? मैं जीतने वाली हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या अब मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पढूं? अगर तुम्हें फोन इस्तेमाल करना है तो तुम्हें बहुत तेज होना होगा। और जवाब यही है। अपने फोन को उल्टा रखें और हॉट ग्लू से एक लाइन बनाएं, बिल्कुल नीचे तक जाएं और इस पर एक कलर्ड पेंसिल लगा दें। परफेक्ट, अब बहुत सारी लगाएं। बहुत कूल लग रहा है ना? और अब जब मैं सेल्फीज लूंगी तो मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, बस कलर्ड पेंसिल्स यूज कर रही हूँ। कितना बेवकूफ है, ये हैक बहुत अच्छा है। ये पेपर सारे मिक्स हो गए, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। अब सब बुरा हो गया। बहुत हुआ, मुझे इसका हल निकालना होगा। इधर आओ स्टेपलर। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? इसमें स्टेपल्स खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल। हे, एक सेकेंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे मालूम है हमें क्या करना चाहिए। हाँ, पेपर सही से संभल गए। और अब मेरे एग्जैक्टो नाइफ के बारे है, मैं दो स्लाइसेस बनाऊंगी, इधर और इधर। इसे यहाँ से मोड़ेंगे और टिप्स को दूसरे स्लाइस में टक कर देंगे। हो गया, ये बिना स्टेपल के साथ में स्टेपल हो गए। आखिरकार पेपर संभल गए, अब ये अलग नहीं होंगे। चलो ग्लास में चले। हाँ, मैं बोर हो रही हूँ। सर यहाँ ध्यान दो, कितना दिलचस्प है। लो, मेरे नोट्स तैयार हैं। तुम तो एक नर्ड हो, मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आता। ये कौन आंसर कर सकता है? जेनिफर? ना, है छोड़ो, वेंडी? आप ठीक है? थैंक यू। यही मौका है। ओह, मुझे तो नहीं पता था। जरा रखो। ओह नहीं, ये क्या हो गया? मैंने वेंडी की नोटबुक में मार्क कर दिया, अब वो समझ जाएगी कि मैं उसका कॉपी कर रही थी। मैं इसे कैसे छिपाऊं?
मैं नोटबुक के पीछे कॉपी कर लेती हूँ, उसे पता नहीं चलेगा वो ये क्या कर रही है। क्लास वर्क तो बिल्कुल नहीं कर रही। लो बस एक चीज बाकी है, मुझे एक सर्कल बनाना है। आर्ट क्लास में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये क्या हो रहा है, क्या वो पढ़ रही है? इस टेप के आसपास बना देती हूँ, इससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। या शायद नहीं, देखा ही नहीं जा रहा। चलो तुम काम करो बेंटी। ओ हो गया, मैं एक कॉइन इस्तेमाल करती हूँ। आराम से, ये इतना मुश्किल क्यों है? एक सर्कल ही तो बनाना है। मैं क्या इस्तेमाल करूँ? ये सिजर्स कैसे रहेंगे? शायद ये काम आए। ट्राई करके देखते हैं। इसे टेबल पर रखेंगे और अब हैंडल्स पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर पेंसिल लगा देते हैं। सिक्योर हो गया, अब बनेगा एक परफेक्ट सर्कल। कंपास की तरह काम करेंगी, बस इसे घुमाना है। मैंने कर ही दिया आखिरकार। थैंक्स, बहुत अच्छा किया वेंडी। जेनिफर, क्या फर्क पड़ता है? मजा आया। ओ, बस उसने देखा ना हो। रुको, ये नहीं हो सकता। ओ नहीं, वो समझ गए। मेरी पेज पर धूल है। फिर शुक्र है मैं कंपास से सर्कल्स बना सकती हूँ। ये क्या बात हुई? पर खैर, मुझे क्लास वैसे भी पसंद नहीं है। यही रुक जाओ, अपनी बुक दिखाओ। ओहो, तुम्हें पता है ना, मैजिक क्लास में खाना नहीं ले जा सकते। यहाँ साइंस भी लगे हुए हैं। अपने स्नैप्स इसमें फेंको अभी के अभी। चलो देखें तुम क्या छुपा रही हो। ओ नहीं, मेरे कैंडी और स्नैक्स। बेवकूफ, तुम जादू से बच नहीं सकते। तुम चाहते हो मैं तुम्हें न्यूट में बदल दूं, है ना? ओ नहीं, आज प्रोफेसर रैम्पेज पे है। मैं अपनी कैंडी नहीं फेंकना चाहती। रखो, समझ गई, मेरी हैट। मुझे एक डबल साइडेड टेप का पीस चाहिए। मैं इसे हैट के अंदर लगा दूंगी और अब इसमें स्टिकर्स लगाएंगे। मैं इन चारों को टेप पर लगा सकती हूँ, पर चार ही क्यों लगाऊं जब मैं और भी लगा सकती हूँ। यही रुक जाओ, क्या तुम कोई खाना छिपा रही हो? तुम्हारी हैट के नीचे क्या है? हम इसे निकाल कर देखेंगे। हाँ, कुछ दिख तो नहीं रहा। ओह, बस वो मेरी हैट के अंदर कुछ ना देखे। लगता है सब ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमेशा अपने आप को चालाक बनते हैं। कोई नहीं देख रहा, यही मौका है। स्नैक टाइम। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे यही चाहिए थी। भाई, वो कैंडी कैसे ले आई? हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। किसे पता था साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है? ओह, मैसेज आया। ओह नहीं, मैं जीना का बर्थडे भूल गया। मुझे उसके लिए गिफ्ट लाना होगा। मैं यहाँ क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखते हैं। अब मुझे बस गिफ्ट चाहिए। वाओ! आउच! हे, मैं रिबन इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाद में बहुत दर्द होगा। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। सही जा रहा है। लो, अच्छा लग रहा है। मैं इसमें और क्या डालूं? एक डॉल। ओ, एक और डॉल, मुझे यही तो चाहिए। नहीं, फूल। ये अच्छा आइडिया है, ये खूबसूरत है। ये बीस कहाँ से आ गई? उन्होंने मुझे काट लिया। मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये एक अच्छा आइडिया है। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो भी सोचो। ओह, मैं समझ गया, मैं उसके लिए जर्नल बना सकता हूँ। पहले एक आम सी नोटबुक लेंगे, बैक कवर खोलें और कोने पर ग्लू की पतली सी लाइन डालें। साइड और नीचे की तरफ भी ऐसा ही करें। अब हमें एक पिंक रिबन चाहिए, इसे ग्लू पर लगाएं।
पेज के नीचे की तरफ और ज्यादा पिंक रिबन्स लगाएं। जब ये हो जाए तो हमें ग्रीन रिबन्स चाहिए। और अब इन ग्रीन रिबन्स को पेज के साइड लगाएं और गैप ना छोड़ें। इन्हें बिल्कुल साथ साथ लगाएं। अब इसे उल्टा करें। अब पिंक रिबन को इस तरह फोल्ड करें और ग्रीन रिबन को पिंक रिबन के बीच से निकालते जाएं। हर रिबन के स्ट्रैंड से पूरे नोटबुक पर ऐसा कर लें। ये बन गया लैटिस इफेक्ट। अब नोटबुक को खोलें और बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्लू लगाएं। जो फालतू का रिबन है उसे फोल्ड कर दें और ग्लू से चिपका दें। ध्यान रहे कि अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर दोबारा ग्लू लगाएं रिबन्स के बिल्कुल ऊपर ऊपर। इन्हें बस तीन कोनों पर ही करना है। अब इसके ऊपर एक कार्ड की शीट लगा दें, अच्छे से दबाएं ताकि ये टिका रहे। लो एक होममेड जर्नल। उम्मीद है जीना को पसंद आए। मैं जीना के बर्थडे के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। वाह, श्रेडेड पेपर, थैंक्स। सच में बॉक्स पे तो देखो। ओह अच्छा, थैंक यू, तुम सबसे अच्छे हो। मैं जानता हूँ। आप देख ही सकते हैं इस पेंटिंग के रंग कितने सुंदर हैं। ये देखकर ही मन एकदम खुश हो जाता है। ठीक है तो हम शुरू करें। चलो डरो मत क्लास, मैं ठीक हूँ। ये थोड़ा खतरनाक है। अब तुम अपनी कैनवासेस पर काम शुरू कर सकते हो। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं यही हूँ। मैं अपना खुद का आर्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं इन कलर्स को पहचान गई हूँ और मुझे ऐसे ही और कलर्स भी चाहिए। कलर्स, मुझे कलर्स दो। और ये वाले कलर्स और ये भी। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। हाँ मुझे अपनी क्लासेस में ऐसा ही पैशन चाहिए। लगता है इसकी इंक खत्म हो गई। मैं एक और ले लेती हूँ। वो सब कहाँ चले गए? है उसने सारे हड़प लिए। पर अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा यहाँ। हाँ बढ़िया। क्या बकवास है, मैं बिना सामान के कैसे बनाऊंगी। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ये देखो मुझे ये कलरिंग बुक्स पसंद है। असम यहाँ तक पहुँचना है और ये लेना है। योइंक। ओह शायद मैंने कुछ सुना। मेरे कॉटन स्वाब्स कहाँ चले गए? मेरे कान में खुजली हो रही है। नहीं, रुको रुको, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लो ये रहे मेरे स्पेयर सप्लाईज, अब मैं ठीक हूँ। हाँ मेरे प्लान का पहला स्टेज काम कर गया। अब काम पर लग जाते हैं। इस टिश्यू पेपर पर ये कॉटन स्वाब लपेटेंगे पूरा अच्छे से। अब वॉशी टेप की बारी। ओह मुझे पर्पल पोल्का डॉट वाला ज्यादा पसंद है, कितना सुंदर है। अब इसे स्वाब के ऊपर लपेट देंगे, अच्छा लग रहा है। अब मुझे कलर चाहिए, इस फूड कलरिंग जैसा। इस कॉटन एंड को कलर के अंदर डालेंगे और एक पेपर पर इसे टेस्ट कर लेंगे। मैंने अपना आर्ट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। एक ही क्यों बनाए जब हम पूरा रेनबो बना सकते हैं। ठीक है तो चलो काम पर लग जाए। जूम। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पर मैं और कलर्स के साथ वापस आ गई। मैं अभी तक की सबसे अच्छी आर्टिस्ट हूँ। लो शायद ये मेरा एक मास्टरपीस बन जाए। जी हाँ क्लास, आपका आज का काम देखते हैं। ये रहा मेरा, मुझे पसंद आया। मेरी वाली बहुत डरावनी है। ठीक है जरा मुझे पास से देखने दो। हाँ ठीक है। तुमने यहाँ ब्लू और ऑरेंज की हाइलाइट्स यूज की है। ठीक है। और तुमने यहाँ बहुत सारे स्ट्रोक्स बनाए हैं। और ये क्या है, ये छोटी छोटी आर्ट स्टिक्स कहाँ से आई? शानदार, मुझे बहुत पसंद आई। तुमने बहुत अच्छा काम किया डियर। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये ले लूं। ओह बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है तो मैं इसी जर्नल एंट्री पर काम कर रही थी। हे भगवान मैं ये क्या कर रही थी, मैं बोर हो रही हूँ। ओह हाय बॉन्जर, मैं ये ड्रॉ करना चाहूंगी। ये स्टैचू? जी हाँ। चलो शुरू करो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। चलो ड्रॉ करें। चेहरा सही नहीं लग रहा, अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं दोबारा करो। बस कमियां ही निकालना, मैं ये पार्ट हटा देती हूँ। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। लगता है ये अच्छा है, इसे तो गैलरी में होना चाहिए। वाह ये सही है, मुझे ये पसंद नहीं आया। ठीक है मुझे लगा था मैं अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकती हूँ। मैं इस बार ये सही बनाऊंगी। ये हुई ना बात। अब क्या, दोबारा शुरू करो। ये कैसा मजाक है, मेरा इरेजर, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओह समझ गई। अब क्या, वो यही कहीं होना चाहिए। ये तो सफाई के लिए है ना, पर इससे गुदगुदी होगी।
चलो भी। ये कहाँ से आया? क्या बकवास है। हाँ ये काम आना चाहिए, ये तो काफी इन्वेंटिव है। वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है तो चलो दोबारा। ये कैसा लग रहा है? मुझे पास से देखना होगा। जरा आगे हो जाओ। ओह समझ गई। आहा, अब मुझे स्टैचू को देख लेना चाहिए, दिलचस्प है। ओह मैं बहुत नर्वस हूँ। तो मुझे अब इसे ग्रेड देना होगा। ये बहुत मुश्किल है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ए प्लस। ये शानदार है। हाय मिस्टर, तुम इसमें जाओ। ये बहुत परफेक्ट होने वाला है। टाइम पर आ ही गई। हाय मैथ्यू। एमिली। मैं प्रेजेंट दे ही देता हूँ। रुको, वो क्या है? उसके पास पहले से ये टॉय है। इसमें अलग क्या हुआ? अब मैं उसको क्या दूँ? ये ईयरबड्स? ओह हाँ। बस पहले एक दो चीजें करनी है। सेफ्टी सबसे जरूरी है। तो चलो चलें। ओह ओह आउच। हाँ अभी मैं गिर रहा हूँ। ओह बहुत ही मुश्किल था, पर मेरे पास अभी बहुत काम है। ये जगह खाली करो प्लीज। एक गिफ्ट से क्या बेहतर होता है? बिल्कुल पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, और ये लाखों में से एक होगा। बस इसे अच्छे से कवर करना है। लो हो गया। अब इसका चेहरा पेंट करेंगे। शुक्र है मेरे पास बहुत सारी ग्लू है। ये उसका फेवरेट कलर है। अब छोटे छोटे डिटेल्स पर काम करेंगे। अब ये अच्छा बन रहा है ना? व्हाइट पार्ट्स मत भूल जाना, ये भी बहुत जरूरी है। परफेक्ट। अब बस आखिरी के कुछ टचेस और ये हो ही गया। कितना प्यारा है। और एक स्टेप और, इसे अच्छे से लगाएंगे तो इसमें जान आ जाएगी। ये परफेक्ट है ना? चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे, ये तुम्हारे लिए है। अरे वाह, ये तो इससे बिल्कुल मैच करता है। तुम्हें ऐसी चीज कहाँ से मिली? ओह, क्या? मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ, अब हग करो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये रिकी है। मुझे पढ़ लेना चाहिए था। पस्ट, मैडिसन, मैडिसन। हाय, हाय डेविड। हे भगवान, ये वही है। ये तुम्हारे लिए है। तुम कितने रोमांटिक हो। मैं अब हमारी जिंदगी साथ में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हे चैम, ओह तुम्हारी मूछें तो मेरे जैसी हैं। जिंदगी एकदम परफेक्ट है। हे यूहू, तुम यही हो ना? मुझे पेन मिल सकता है? ओह हाँ बिल्कुल, ये लो। रुको, मैं एक खाया हुआ पेन डेविड को नहीं दे सकती, मैं दूसरा ढूंढती हूँ। वाह, मुझे पेन खाना बंद करना होगा। हाय डेविड। हे अमा, तुम मेरा पेन ले सकते हो? बस एक मिनट रुको, ठीक है? विश्वास नहीं होता, ये अमा क्या कर रही है? मुझे जल्दी करना होगा। ये अच्छा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा पेन यही कहीं होना चाहिए। यही है। ओह, मैं नेल पॉलिश इस्तेमाल कर सकती हूँ, शायद ये काम कर जाए। पहले पेन को अलग कर लेंगे, अब निब काटेंगे। निब के आखिर में थोड़ी ग्लू लगाएंगे। अब हमें नेल पॉलिश चाहिए। निब को बॉटल में डालेंगे और इस पर ग्लू लगा देंगे।
इसे सेट होने देंगे और पेन के टॉप से रिप्लेस कर देंगे। इससे काम चलेगा। अब ये ग्लिटर पेन बन गया। कितना फैंसी लग रहा है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। ये एक बोरिंग पेन से काफी बेहतर है। ये लो, हे भगवान, उसने मुझे छुआ। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। आज का दिन सबसे अच्छा है। कितना बढ़िया पेन है। थैंक्स। यस, काम किया। तुम बहुत प्यारे हो, मतलब तुम्हारी राइटिंग बहुत प्यारी है। क्या बकवास है, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आती। बहुत हुआ, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। ये क्या चीज है? ये एक स्टफ टॉय है तुम्हारे लिए। मेरे साथ खेलोगी? नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे पास अभी बहुत सारा होमवर्क बाकी है। काश मैं अभी सो पाती, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं तो गई, अब बस ये काम करना है। ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? इससे बुरा टेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। मैं पढ़ते हुए सो गई, अब मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगी। हाँ, मॉर्निंग, मेरा बलून पसंद आया, मेरे साथ खेलोगी? देखो मैंने बलून पर रिबन लगाया ताकि ये उड़े ना। मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ये रहा बलून और ये रहा मार्कर, इस पर इक्वेशंस बनाएंगे। अब बस मुझे इसकी हवा निकालनी है। हाँ, अब ये छोटा हो गया, इसके ऊपर एक टेप लगा देंगे। बलून को ढंग से पकड़ कर अब टेप हटा देंगे। आखिरकार अब मैं इसे अपनी नेल पर लगा लेती हूँ। ये तो फिट आ गया। हाँ, इस निफ्टी इक्वेशन के साथ मैथ का टेस्ट पास करते हैं। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, मैं बहुत तेज हूँ। देखते हैं वो चीटिंग तो नहीं कर रही, कोई चीट शीट्स नहीं है। ठीक है, मुझे ध्यान से देखने दो। मुझे अपनी फ्लैश लाइट चाहिए। हे, मेरी तरफ देखो और अपना मुंह खोलो। हाँ, तुम ठीक हो, चीट नहीं कर रही। बाल बाल बचे, पर मैं बेस्ट हूँ। लूना, ये मत करो। हाय। ठीक है, आ जाओ। मेरे पास थोड़ा होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगी। ये अच्छा है। वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग है। ये घर है, बस बन ही गया। हाँ, मेरा भी हो गया। देखो लूना, तुम ये क्या कर रही हो? आओ, नहीं ये मैंने नहीं किया। मेरी सारी बुक्स पर यही हो गया। सॉरी, पर ये सुंदर है। ये खराब हो गया। जरा ये देखो, अब मैं क्या करूं? रुको, ये इंक काम आएगी। थोड़ा क्रिएटिव आर्ट वर्क हो जाए। पहले नोटबुक पर एक पेपर रखें, अब एक पेन लें और पेपर पर पैटर्न्स बनाएं। वाइब्रेंट इफेक्ट देने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। अच्छा लग रहा है, पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब हमें एक प्लास्टिक बैग चाहिए और इसमें इंक डालें। ध्यान रहे ये गिर ना जाए। जब ये हो जाए, बैग को सील करें और इसे नोटबुक पर रख दें। अब इंक को फैलाएं। एक पेल्ट लें और इससे नोटबुक का बॉर्डर बना लें। इसे नोटबुक पर लगाएं और मजे करें। जब आप बोर हो रहे हो तो टाइम पास करने के लिए ये बढ़िया है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। हे, कोई बात नहीं। देखो, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, बिल्कुल। ओह, ये तो मजेदार है। फिर ये देखो, मैं कितनी अच्छी शेप्स बना रही हूँ। थैंक्स लूना। हाँ, मुझे यही मार्कर चाहिए। लो, मैं अपनी राइटिंग शुरू करती हूँ। ओह, केविन के बाल कितने सुंदर हैं। वो बहुत प्यारा है, एकदम प्यारा। पूरा दिन देख सकती हूँ। वो, मैं दिन में सपने देख रही थी। ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने उसका नाम और दिल बना दिया। हाँ, ये रहा इरेज़र। ये नहीं आ रहा, ये मिट नहीं रहा। मैंने गलत मार्कर इस्तेमाल कर लिया। ओह, एक पानी का ग्लास मदद करेगा। थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। और अब स्क्रबिंग।
चलो भी, चलो भी, चलो भी। मिट जाओ। कुछ भी नहीं हुआ, ये किसी काम का नहीं है। अब मैं क्या करूं? लोग ही देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, पर मुझे माफ कीजिएगा, पर ये नहीं हटेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास मदद के लिए एक चीज है। तुम्हें व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए। तुम्हें बस व्हाइट बोर्ड पर ये परमानेंट मार्कर लगाना है। हर लाइन कवर हो गई। हाँ, देखा तुमने? और अब मैं इरेजर इस्तेमाल करूंगी। देखा, अब ये इरेजर के साथ एकदम निकल गया ना, स्क्रबिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। टडा! अब यहाँ हमेशा के लिए केविन नहीं लिखा हुआ। ओह, ये काफी बेहतर है। हे भगवान, केविन आ गया। बच गए। कोई बात नहीं, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। मेरा खुद का यूनिकॉर्न, वो कितना प्यारा है, पर उसमें कलर करना चाहिए। मेरे पेंस यही कहीं थे। ओ, अच्छा नहीं लग रहा, हर जगह इंक है, मैं इसके साथ ड्रॉ नहीं कर सकती। मॉम! क्या हुआ स्वीटी? मेरे पेंस को देखो। ओ डार्लिंग, कोई बात नहीं, मम्मी जानती है क्या करना है। सबसे पहले हम इसे साफ करेंगे। गंदे हाथ लेकर नहीं बैठते। अब तुम्हारे बैग को। ये तो नहीं हो रहा। रुको जरा, हम तुम्हारे लिए नया बैग ले आएंगे। मुझे बस मेरा फोन चाहिए। वाह, बैकपैक तो बहुत महंगे हैं। सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को बस पैसे देखने दो। आओ। मुझे पता था ये सच नहीं हो सकता। मैं अपनी प्यारी बच्ची को ऐसा नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, शायद मैं जानती हूँ इसे ठीक कैसे किया जाए और शायद ये काम आए। इन के निशान को छिपाने के लिए आपको कलर फेल्ट चाहिए। फेल्ट को यूनिकॉर्न पार्ट्स में काटें। हर पार्ट पर ग्लू लगाएं। फेल्ट को अच्छे से कवर करें। अब पेस को बैक पर लगा दें। हर पार्ट को ऐसे ही लगाएं, एक यूनिकॉर्न बनाते हुए और उस निशान को कवर करते हुए। आंखें कैसे भूल सकते हैं? और हर यूनिकॉर्न की सुंदर आईलैशेस होती है। ये तो जादुई है। हाय स्वीटी, तुम ठीक तो हो? कम से कम मेरे हाथों से इंक हट गई। खैर, मम्मी ने ये बनाया। वाओ, एक यूनिकॉर्न बैग, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं डियर। ये परफेक्ट है। ये नया पाउडर कितना अच्छा है ना, पूरा दिन चलता है। चलो साथ में एक सेल्फी ले। वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसी शेरो, बहुत हुआ, अलग अलग हो जाओ अभी के अभी। नहीं, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी शेरो, इतने पास होकर भी इतनी दूरियां। हाँ, यहाँ तुम पढ़ने आते हो। पस्ट, पस्ट। क्या क्या हुआ? हम अपने फोन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओह हाँ, ये बढ़िया है। मैं करती हूँ। यहीं रुक जाओ, तुम्हें मैं छोटी बच्ची लगती हूँ, फोन नहीं मिलेगा। तुम्हारा भी मैं ले रही हूँ। जी हाँ, क्लास के बाद वापस ले लेना। अब काम कर लो और मेरी नजरें तुम पर हैं। चलो मैं ट्राई करती हूँ इसे इकट्ठा कर। शेरो, ये तुम्हारे लिए है। ओ नहीं, वो तो बहुत दूर गिर गया। उसने कुछ देखा? ओह, लगता है वो अपनी बुक पढ़ रही है। हम लकी हैं। हाँ, अब मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये रहा प्लास्टिक कप, इसे उल्टा करेंगे, नीचे का हिस्सा काटेंगे। अब एक बलून चाहिए। अब इसके कोने को इस तरह काट देंगे। अब इसे खोलकर कप के ऊपर लगा देते हैं। शानदार। अब मैं अपना छोटा सा मैसेज कैनन ट्राई करती हूँ। इसके अंदर मैसेज रखकर बलून को खींचेंगे और छोड़ देंगे। वो ये मैसेज मेरे लिए है, खोलकर देखती हूँ। तुम कैसे हो? हो, उसने मैसेज मुझे भेजा है। हाँ, ये काम किया। तो उसने भी मुझे वापस मैसेज भेजा। इस पर क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, मुझे भी मैसेज कैनन बनाना आता है। कितना कूल है ना? ओह, मुझे भूख लग रही है और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हे हे, ये देखो। हाँ, तुम देख पा रहे हो कि मुझे भूख लगी है? माफ करना।
रखो, मेरे पास एक हल है। टाडा, मेरी स्लीव से आई चॉकलेट। अरे वाह, मेरे हीरो। वो शायद अब मैं भी कुछ देख पा रही हूँ। ये हम हैं, चॉकलेट खाते हुए। ओ नहीं, हम पकड़े गए और ट्रांसफॉर्म हो गए। मुझे खिलाड़ी नहीं बनना, मैं पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती। हमें कुछ और सोचना होगा, मैं भूख से मर रही हूँ। हाँ, हम ये कर सकते हैं। हे, मेरा आइडिया देखो। अब थोड़ा जादू। परफेक्ट, ये फोन पर फिट आ गई। ये चॉकलेट कितनी स्वादिष्ट लग रही है, मैं अभी एक पीस खाऊंगा। हे भगवान, बहुत ही अच्छी है। हे, वहाँ क्या चल रहा है? तुम दोनों, तुम कुछ खा रहे हो? नहीं सर, ये तो मेरा फोन और फोन केस है। तो चलो अपनी डिविनेशन पूरी करो। अरे वाह, ये काम किया। चलो थोड़ी और खाएं। बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये ठीक नहीं है, जल्दी करना होगा, इससे आराम से हो जाएगा। अहम, तुम ऐसे नहीं समझोगी शेरो। मैं टॉयलेट जा सकती हूँ? जाओ, जल्दी आना। मुझसे नहीं हो पाएगा। ओह, यहाँ पानी का ग्लास है। मुझे क्लास से ब्रेक चाहिए, कुछ तो सोचना होगा। जरूर को, मैं समझ गई। ये बेकार है। बढ़िया आइडिया है, मैं इस कप पर नंबर्स लिखूंगी, फिर इसके ऊपर एक और कप लगा दूंगी। अब इस कप पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन लगेंगे। ऐसे ही और कप्स लगाते जाएंगे, बस सही आंसर्स के लिए इन कप्स को घुमाना होगा। हाँ, समझ गई। ऐसे मैं ये आंसर्स कैसे जान पाती? अब ये बहुत आसान हो गया। मुझे अपने टोज भी इस्तेमाल करने होंगे। लगता है मुझे लूना की मदद करनी चाहिए। हे, सॉक्स पहनी रखो, ये इस्तेमाल करो। वाह, थैंक्स। रुको, तुम ये क्या कर रही हो? ओ, मैंने कोशिश तो की पर समझ नहीं आ रहा। आ रहा है, मैथ्यू को ये पसंद आएगा। ओ, शायद नहीं, इसे ठीक करना होगा। बहुत बढ़िया, मेरे पास इरेजर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पेंसिल केस में होगा। वो कहाँ है? मैं जानती थी मेरे पास है। जरा रुको। जीना, मैं तुम्हारा इरेजर ले लूं, प्लीज? बिल्कुल, ये लो। उप्स। हे, थैंक्स, मुझे अच्छा लगा, मुझे यही तो चाहिए। मैथ्यू के पास ये होगा, मैं उसके पास जाती हूँ, वो हैरान हो जाएगा। मैथ्यू बहुत दूर रहता है, बाद में नहाना नहीं पड़ेगा। मैं जैकेट क्यों नहीं लेकर आई? मैं उसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कैसे हो सकता है, वो भी मेरे इरेजर के साथ? बहुत बुरा है, पागल मैथ्यू, वो ये कैसे कर सकता है? मैं उसे अब कभी अपना इरेजर नहीं दूंगी। अब मैं क्या करूं? जीना, हाँ, तुम कब से यहाँ हो? शार्पनर इस्तेमाल करो। कैसे? एक मिनट रुको, मैं समझ गई। शुक्रिया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले इसे उल्टा करेंगे और इसके इस तरफ ग्लू लगाएंगे। मैं इसे पूरा ऊपर तक भर दूंगी। अब इसे सेट होने देंगे, इतना काफी है। ग्लू से ये इरेज हो जाएगा। ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इस ड्राइंग को पूरा करते हैं। हाँ? मैंने सोचा मैं मदद कर दूं और मैं तुम्हारे लिए ये लाया। ओ, कितना क्यूट है। मुझे माफ कर दो।
लूना के पास आंसर्स है। शुक्र है मुझे ये आता है। शुक्र है लूना को सब आता है। बस थोड़ी मदद चाहिए। जल्दी करना होगा। अरे नहीं, वो चीटिंग कर रही है। बहुत तेज है। शेरो, हटो। पर ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्नैक खा लेती हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। चॉकलेट। क्या ये कैंडी है? बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भूख लगी है। ये बहुत टेस्टी है। हे शेरो, मुझे एक पीस मिल सकता है? खैर खैर खैर, नहीं। बहुत हुआ, तुम्हें लगा मैं डर गई? आ जाओ, अब बस एक ही चारा है। किसी ने खिड़की खोली? एक कैंडी बार और जो भी है ये लो, मुझे आंसर्स दो। और ठीक है, अब खुश हो? तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। थैंक्स बेस्टी। थैंक्स। मुझे पढ़ना नहीं पसंद, इसे देखना आसान है। यहाँ क्या चल रहा है? कितनी गलत बात है। ये मुझे दो। ओ, और तुम डिटेंशन के लिए जाओ, दोनों के दोनों। ये क्या करती है? बुद्धू बच्चे, क्लास में खाना ऐसे लेकर आते हैं। यम्मी, मुझे अपना काम पसंद है।